म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, वोकल कोच, सिंगर सॉन्गराइटर रणित सिंह, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रणित। सिंग अलोंग, ई एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। आई नो आप सब लोगों की कंप्लेन भी होगी, लेकिन क्या करें, रूटीन ही कुछ ऐसा है, थोड़ा बिजी रहता है शोज़ की वजह से भी और क्लासेस की वजह से भी। तो अभी भी मैं अपने सेशंस के बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड इट्स अ सॉन्ग ट्यूटोरियल ऑफ द सॉन्ग कॉल्ड वे कमलेया। काफ़ी लोगों को पसंद है ये गाना, तो उसी का ट्यूटोरियल लेके मैं आया हूँ इस वीडियो में। और एक अनाउंसमेंट भी है, एक नया बैच शुरू होने वाला है, एक्चुअली दो शुरू होने वाले हैं। तो वो सैटरडे 10 AM का बैच होगा और मंडे 8:30 PM का एक बैच होगा। तो इनमें से जो भी आपको सूट करता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे हाई लिखना है, और जो भी बैच आपको चाहिए उसके लिए आपको मैसेज लिखना है कि बैच नंबर, जो बैच जो भी है, 10 AM वाला या मंडे 8:30 PM वाला। सैटरडे 10 AM और मंडे 8:30 PM, ये दो बैचेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ लेवल 1 बैच, बिगिनर्स बैच, जिन्होंने कभी भी नहीं सीखा है उनके लिए भी ये बैच है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है उनके लिए भी ये बैच है। तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छे से सिखाया जाए, सारी चीज़ें बेसिक से बताई जाएँ, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को मैं खुद सिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें। ये हो गई इन्फॉर्मेशन, अब बढ़ते हैं आगे। ये गाना जो है वे कमलेया, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मुझे काफ़ी टाइम बाद कुछ गाने पसंद आए थे, उनमें से ये एक है। एक और सॉन्ग मैंने वोटिंग के लिए डाला था, वो था विदा करो। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं विदा करो का भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। मेरा कुछ नहीं जा रहा है उसमें, मेरे सिर्फ थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग उसको देखें और उसे कुछ सीखें। तो ये जो वे कमलेया सॉन्ग है, इट्स फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ऐसा नाम की एक मूवी आई थी जो कि मैंने बिल्कुल नहीं देखी है, एंड आई एम वेरी मच श्योर बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। ये गाना खास करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है उस मूवी से, एंड इस गाने को गाया है अगेन अरिजीत सिंह जी ने। और कौन गा रहा है वैसे गाने, तो गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो है डी मेजर। हम इस गाने को समझने के लिए सी मेजर पे समझेंगे। और गाने को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, जो कि बहुत ही ओंदे कलाकार हैं और बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हैं एक से एक। तो इस गाने को हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जितना हद तक मैं समझा हूँ उतना ही मैं आपको समझा पाऊँगा। सो बी रेडी विद योर नोट्स एंड बी रेडी विद योर ईयर्स, एंड समझते हैं, जानते हैं कि इस गाने में क्या है। तो सबसे पहले ये गाने का जो सी मेजर का कॉर्ड है मैंने प्ले करा है, और गाना शुरू होता है विद दीज लाइन्स, वे कमलेया, वे कमलेया, वे कमलेया मेरे नादान दिल। तो शुरू करते हैं पहली लाइन। इस गाने का जो मूड है वो है कि अपने आप को ही, अपने दिल को ही समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक गाना आया था बहुत पहले, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है ना, वैसे ही उसी जोन का ये गाना है कि अपने आप को समझा रहा है बंदा। और कमलेया मतलब होता है पागल, तो अपने आप को पागल कह रहा है कि ओए पागल नादान दिल, अपने दिल को कह रहा है। तो ये गाना उस तरीके से शुरू होता है। गाने का थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा सुकून भी है, साथ में सैडनेस भी है, सुकून भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये गाना। और इस गाने को गाने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर रखेंगे वॉइस का, कहीं कहीं पर जहाँ पर बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा वॉइस को ओपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन, वे कमलेया। हमेशा की तरह हमिंग से ही शुरू करेंगे, बिना उसके नहीं शुरू करेंगे। ओके, हियर वी गो। वे कमलेया, वे कमलेया, वे कमलेया मेरे नादान दिल। स्लो करते हैं, एक और बार गाते हैं। वे कमलेया, वे कमलेया, वे कमलेया मेरे नादान दिल। हमिंग का फ़ायदा होता है कि आप सीधा सुर पे चढ़ पाते हो, और विब्राटो उसका इसमें काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है क्योंकि स्लो सॉन्ग है स्टार्टिंग में एटलीस्ट। तो दोबारा से समझते हैं, थोड़ा सा ग्लाइड करेंगे गाने में और कोशिश करेंगे नेचर सॉफ्ट रहे। मैं धीरे से गाता हूँ, एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। वे कमलेया, वे कमलेया, ग्लाइड हो रहा है। वे कमलेया, वे कमलेया
तो पहला वाला जो कर्व है वो छोटा है, वे कम ले आ ले आ। सेकंड, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ। स्लो करा है दोबारा गाना, वे कम ले आ। ये मैंने सिंपल वर्जन बताया उसका, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ। ला 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 ला। ये नोट्स लग रहे हैं, वे कम ले आ। क्लियर, वे कम ले आ मेरे मेरे पे ड्रॉप है, वे कम ले आ वे कम ले आ। ठीक है, वे कम ले आ। फास्ट गाओगे तो ऐसा सुनाई देगा, वे कम ले आ मेरे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करके विब्राटो दे रहे हैं, वे कम ले आ मेरे मेरे। ड्रॉप है, वे कम ले आ मेरे नादान दिल नादान दिल नादान दिल। ठीक है, नादान दिल नादान दिल ना ना खटका है, आ आ ना ना नादान नादान दिल नादान दिल। पूरा गाते हैं, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ मेरे नादान दिल। नॉर्मल स्पीड, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ मेरे नादान दिल। सेकंड टाइम, वे कम ले आ। अब ये सिग्नेचर है अरिजीत सिंह जी का, ऐसे करते हैं, वे कम ले आ आ। रैंडम विब्राटोस है बीच में छोटे से, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ मेरे नादान दिल नादान दिल। ऐसे भी कर सकते हो नादान दिल, ऐसे भी कर सकते हो नादान दिल, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इसका हाई पार्ट, उसके बाद आता है इसका हाई पार्ट। ठीक है, तो क्या है वो, दोनों के पेचीदा सौ गलियारे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जानने वाली है कि गलियारे का जो नोट है वो ग्लाइड वो ड्रैग करके नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से गा के बताता हूँ। तो पहला तरीका, जैसे आपको नहीं गाना है गलियारे, ठीक है, कैसे, दोनों के पेचीदा सौ गलियारे गलियारे, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट जाना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सीधा इस सुर की प्रैक्टिस करो, दोनों के पेचीदा सौ गलियारे गलियारे। ठीक है, मेक श्योर इस तरीके से जाए तो सेम नोट्स हैं, दोनों के पेचीदा सौ गलियारे ए ला 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 ला। ये नोट्स का ड्रॉप है, तेरे नाम लाइक दैट। दोनों के पेचीदा सौ गलियारे। ठीक है, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तो इनमें खोकर तू मिलता पे एक कर्व बनेगा, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। ये मैंने ज्यादा हरकत ली, इतनी नहीं लेनी, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। सिंपल रखो, ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी कुछ सीखते हैं तो पहले उसे सिंपल रखना चाहिए। इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, एंड कहाँ को अगेन विब्राटोस के साथ छोड़ना है। ठीक है, एंड करना है विथ राइट टेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी सेम है, बस उसमें जो अगली लाइन में एक प्यारे वर्ड आ रहा है वो थोड़ा सा हाफ नोट और ऊपर जाता है। तो किस तरीके से,
तुझको अंबर से बिजरे ज्यादा प्यारे। यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करना है हमेशा। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे। अब यहाँ खुल के ही गाना है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा ऊंचा है, यहाँ पर काफी एफर्ट लग रहा है। भाई एफर्ट लगता है, बिना एफर्ट के गाना नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे ही गा दूंगा आराम से बैठे बैठे, फिर वो लड़कियों जैसी आवाज़ निकलेगी, फिर उसको लेके दुखी रहोगे और कभी भी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना है तो थोड़ा ओपननेस होना चाहिए आपकी वॉइस में। ओपननेस को कंट्रोल किया जा सकता है जब एडिटिंग होती है, लेकिन अगर दबी हुई आवाज़ है उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो दोबारा से गाते हैं। तुझको अंबर से बिजरे ज्यादा प्यारे प्यारे। ये मूवमेंट है, अगेन वही वाली मूवमेंट है, गलियारे वाली। अच्छा, ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है। उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। अच्छा, यहाँ सुनता पे आपका अच्छा खासा मूवमेंट होना चाहिए। मैं लो में बता रहा हूँ आपको, इसी का हाई गाना है, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी। उड़ जा कहने से सुनता सुनता सुनता, फास्ट गाएंगे तो सुनता 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 सुनता, ऊपर गाएंगे तो उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। दोबारा, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, सेम चीज, गल सुन ले आ। अच्छा, पंजाबी है तो गल सुन ले, नहीं गल सुन ले आ, सुन ले आ। नाड़ा वलाना, ठीक है। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। सेम वे वैसी, इसके बाद जो कम ले आता है वो थोड़ा सा चेंज है। वे कम ले आ, वे कम ले आ, ला 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 ला। वे कम ले आ, स्लो बता रहा हूँ। वे कम ले आ, दारा दारा दारा। ये नोट्स लग रहे हैं, इनको पहले स्लो गाओ, वे थोड़ा फास्ट करो। वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है नोट का, मैंने पहले नहीं गाया था, मैं अभी गा रहा हूँ, तो दोबारा से मैं पूरा पार्ट गा रहा हूँ। वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे, वे कम ले आ मेरे। ये नोट्स फॉलो करना। वे कम ले आ मेरे, वे कम ले आ मेरे। उसको फास्ट गाएंगे तो वे कम ले आ मेरे नादान दिल, नादान नादान। जो पार्ट में स्लो करके बताता हूँ उसको आप बार बार सुनो, फिर वो पीछे कोरस आ रहा है। जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर। कम ले आ, वे कम ले आ। ये कोरस में आ रहा है पीछे, ठीक है। इसके बाद आती है श्रेया घोषाल जी की लाइन। तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है, इश्क है ये तेरा या तेरी गलती है। तो ये पार्ट है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे स्लो डाउन करके, ये इंपॉर्टेंट है, अंतरा है। सबसे पहले हमेशा हमिंग। तुझ पे खुद से ज्यादा, सॉफ्टली प्यार से, जस्ट लाइक थोड़ा विस्पर, जैसे कान पे आप फुसफुसा के बोलते हो ना, थोड़ा प्यार से। तुझ पे खुद से ज्यादा, तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है। ये नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तुझ पे खुद से ज्यादा यार की ड्रैग है, नोट करना। तुझ पे खुद से ज्यादा ला 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 यार की दारारा दारारा। यहाँ पहुंचना है, ठीक है। मेक श्योर ये कर्व हर बार बने, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है,
यार की चलती है। सेम चीज अगेन, इश्क है ये तेरा। दोबारा से, तुझ पे खुद से ज्यादा ज्यादा यार की चलती है, तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है। ड्रैग करना है। इश्क है ये तेरा, इश्क है ये तेरा, ये तेरा, ये ला, ये तेरा, या तेरी गलती है। सेम चीज, या तेरी गलती है, गलती है, इश्क है ये तेरा, या तेरी गलती है। गर सवाब है तो अगर लिखा है लेकिन उसे जल्दी में घर बोलते हैं, ठीक है। घर सवाब है तो क्यों सजा मिलती है, घर सवाब है तो क्यों सजा मिलती है। सेम चीज, दिल लगी एक तेरी आज कल परसों की, नींद ले जाती है, दिल लगी एक तेरी आज कल परसों की, नींद ले जाती है, लूट के बरसों की। थोड़ा सा ग्लाइड करना है। लूट के बरसों की, फिर मान ले कभी तो, या थोड़ी सी कभी पे मूवमेंट है, मान ले कभी तो, मान ले कभी तो, मान ले कभी तो, बात खुद गर्जों की, मान ले कभी तो, मान ले कभी तो। ये थोड़ा सा टफ है तो इसको सिंपल भी गा सकते हो, ऐसा नहीं बिल्कुल। मान ले कभी तो, नहीं हो रहा तो आराम से गाओ, मान ले कभी तो, बात खुद गर्जों की। फिर अगेन वो ऊंचा पार्ट आता है अरिजीत सिंह का, जिन पे जल के मंजिल मिलनी आसा हो। अब इसी तरीके का टेक्सचर उन्होंने दिया है थोड़ा नेजली, आप चाहो तो खुल के भी गा सकते हो, मैं खुल के बताता हूँ। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसा हो, लेकिन देखो मजा थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा नेजल करना ही पड़ता है। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसा हो, वैसे रस्ते तू चुनता है कहाँ। ऊपर जाना है, सेम वही चीज है जिन पे चल के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेम वही हाई पार्ट पे वही नोट्स लग रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है, ठीक है। और सेम चीज है, कसती है दुनिया कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। सेम वही मूवमेंट्स है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसी को रेफर करना और लाइंस सिर्फ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर वापस रिलैक्स हो जाएगा टोन, मैं लास्ट लाइन गाते हुए आता हूँ। कसती है दुनिया कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। वापस से सॉफ्ट, मर्जी तेरी जी भर ले आ। अच्छा जी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वे कम ले आ वे, सिंपल था ना, लेकिन यहाँ जी थोड़ा चेंज हो रहा है। मर्जी तेरी जी भर ले आ, जी भर ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। ये एंड में करना क्योंकि दोबारा आता है। वे कम ले आ मेरे नादान दिल। यहाँ पर इसको इस तरीके से एंड करना, फिर वही जा करना है तो प्यार करना, ब्ला ब्ला, सेम वही चीज़ रिपीट होती है। तो इस गाने में कुछ चीज़ें जो जानने वाली हैं, जो स्लोक मैंने करके आपको ऑलरेडी बता दी हैं, बोथ मेल पार्ट्स फीमेल पार्ट्स, उसको रेफर ज़रूर करो यार। ये सब गाने जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे गाने नहीं है कि एक बार दो बार गाया चार बार गाया समझ में आ जाएगा। एक ही हरकत जो मैंने करी आपको कई बार सुननी पड़ेगी, स्लो डाउन करके जो मैंने करा है, ठीक है। उसको प्यार से सुनो, फॉलो करो कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसमें ऊपर से आ रही हैं,
गल सुन ले आ, दा रा रा रा। तो उस तरीके से खोलना है आवाज़ को जहाँ पर जितना ज़रूरी है, ठीक है। मेक श्योर आप लोग खुल के गाएं, दबा के ना गाएं आवाज़ को, ऑलराइट। सो यही था इस गाने का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड मेरी तरफ से जो मैं बता सकता था इस गाने में, मैंने आपको बता दिया। देखो एक गाने को सीखना हो भी इस तरह के गाने को टाइम लगता है। तो डोंट थिंक एक बार देखूंगा, दो बार देखूंगा, वीडियो हो जाएगा। नहीं, कई बार सुनना पड़ेगा, एक इनपुट को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कहाँ ड्रैग है, कहाँ स्ट्रेट है, कहाँ पावर लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। एंड फॉलो माय वॉइस, जो मैं जिस तरीके से गा रहा हूँ ट्राई करो, क्योंकि ये रॉ एकदम आपको मिल रहा है सुनने को। एक गो में मैं गा रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करो, कीप इट। अभी देखो 15-20 मिनट का तो ये बताने में मुझे लग गया है लगभग। तो आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 1-1.5 घंटा, 2 घंटा भी लगेगा, तो लगाओ, ठीक है। जितना टाइम लगता है उतना लगाओ, ऑलराइट। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।